विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर अरुण यादव जी, गोल मंडल के पार्टी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र यादव जी, बावल मंडल के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह जी, श्री राज सिंह सरपंच प्रतिनिधि हंसोगा, श्री दिलेंद्र सिंह पूर्व सरपंच सांगड़ी, हमारे विभाग के एस डी श्री सतीश राठी जी, हमारे विभाग के एक्सएम श्री रविंद्र कोटवाल जी, बी डी सी ओ संजीव शर्मा जी, सुभाष यादव जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार विधायिका बंधु, आज सबसे पहले से आने पर जो आपने फूल माला और पगड़ी बनाकर मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और इस लोकसभा चुनाव में आपने तीसरी बार माननीय राविंद्रजीत सिंह जी को सांसद बनाया, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके सहयोग से सांसद बने और तीसरी बार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है, ये भी एक ऐतिहासिक इवेंट है, क्योंकि तीसरी बार, एक बार 1962 में शायद जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी थी, उसके बाद अब ये मौका है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो पार्टी का सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के जो विकास हुआ है, अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए गरीब आदमी को घर बैठे उनको कैसे लाभ मिले सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का, इस सिद्धांत पर हमारी सरकार पिछले 10 साल से, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि 2014 से पहले, मैं बावल विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करूँगा, पूरे दक्षिणी हरियाणा की बात करूँगा, कि सड़कों का क्या हालत थी, गड्ढे ज़्यादा सड़क कम थी, इस बात के आप गवाह हैं। और ये पानी की जो समस्या, खासकर दक्षिणी हरियाणा में और कोर ब्लॉक के अंदर, जो कि डार्क जोन में पानी के पीने की कितनी समस्या थी, आप इस बात से बनी भांति वाकिफ हैं, क्योंकि 2014 में जब मैं चुनाव में आता था तो यहाँ माताएं बहनें पानी का गिलास लेके आती थी कि पानी पी के देखो पीने लायक नहीं, और वास्तव में वो पानी पीने लायक नहीं था। सबसे पहले हमने जब आप लोगों का आशीर्वाद मिला, आपके आशीर्वाद की ताकत से हमने सबसे पहले इस पानी की समस्या को समाधान करने का काम किया। पहले तो जगह जगह हमने ध्यान जाता कि किसी वहाँ आर ओ प्लांट लगाए, और उसके बाद क्योंकि समय लगता है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक दिन में तो होता नहीं, फिर हमने नहरी स्कीम के तहत वाटर पार्क बनाए, उनके साथ साथ दूसरी स्टेशन बनाए, और आज पूरा दक्षिणी हरियाणा चाहे नारनौर से लेकर नेवार तक हमने कनाल बेस स्कीम का सिस्टम शुरू कर दिया है। और आज मेरे ख्याल से पीने की ठीक है भाई, हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी कम है, क्योंकि हम तेल के ऊपर हैं, नहर का पानी कम आता है, तो गर्मी के समय में दिक्कत आती है, जितना पानी हमें मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब हम एडिशनल टैंक बना रहे हैं, जगह जगह पर एडिशनल टैंक बना रहे हैं। आपके गाँव का जैसे खाले का बन रहा है, मामड़िया में बन रहा है, आपका खोरी में बन रहा है, तो इसी तरह कई हम एडिशनल टैंक बना रहे हैं, ताकि आगे अगर नहर ज़्यादा दिन में आती है तो हमें स्टोरेज की कोई दिक्कत ना हो और आपको डेली पानी मिले, इस तरह की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। लेकिन इन कामों में समय लगता है। अभी जैसे आप कह रहे थे पानी की जो ढाणियों के अंदर दिक्कत है, पहले तो गाँव में पूछी करें कि उसके बाद ढाणियों का नंबर आता है, और ढाणियों में भी जिस ढाणियों में 100 आदमी रहते हैं या 20 घर हैं, उनको तो सरकार ने कर दिया है, लेकिन जहाँ थोड़े थोड़े घर हैं उनका सरकार अभी सोच रही है। सरकार ने कुछ फैसला किया था कि इतने 43,000 रुपये पर अगर हाउस लगते हैं तो इनको कनेक्शन दे दो, अगर इससे ज़्यादा लगते हैं तो कुछ हिस्सा कंज्यूमर करे तो उसको सप्लाई दी जाए, तो उस पर अभी काम चल रहा है। और बिजली के जो आपका पानी के जो बिल थे,
थे काफी लोगों ने, जैसे कांग्रेस के टाइम में ये काली संख्या ले ली थी और वो सबसे गिनती नहीं किए हैं, एक ही घर में तीन तीन चार चार संख्या ले ली और उनका दिन आ रहा है अब तक। तो कांग्रेस ने जब दिया था जब तो झूठ बोल करके दे दिया तो इनका दिन नहीं आएगा, लेकिन वो फिर लगातार आ रहा है। तो जब हमारी सरकार बनी 2014 में तो पीछे का जो उनकी सरकार का बिल था वो भी हमने माफ किया और अब भी हमने मतलब 15 में किया था, 15 के बाद अब 2023 तक भी हमने 400 करोड़ रुपए के बिल माफ करें जो पानी के बिल के थे, गांव के सभी के बिल हमने माफ करें। तो जो आपके पानी के बिल अब तक पेंडिंग थे वो सब माफ कर दिए हमने। कांग्रेस झूठ बोल करके इनके द्वारा कोई दिन नहीं आएगा, लोगों ने लागत के हमारे तीन दिन अपने टंकी घर में ले लिए तो वो माफ कर दिया हमने। तो पानी की समस्या ना रहे इसके लिए सरकार और भी कर रही है, क्योंकि देखो जब तक नहरी पानी नहीं मिलेगा हमें तो पब्लिक हेल्थ भी पानी नहीं दे सकता। पानी तो चाहिए, पानी की कमी है मैं मानता हूँ, नहरी पानी हमारा हम ट्रेन के ऊपर है तो ट्रेन तक पहुँचते पहुँचते हमारा पानी कम हो जाता है। उसके लिए भी सरकार दो तीन डैम बना रही है, हिमाचल प्रदेश से बंद पाइप से पानी आएगा क्योंकि एसवाइल तो पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, लेकिन वो एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सरकार कर रही है, उसका एमओयू भी हो गया है और उसका काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश से केताऊ और दो से दो डैम हो रहे हैं कृष्णा, ये दो तीन डैम हैं वहाँ से बंद पाइप से पानी आएगा और वो दक्षिण हरियाणा को उसका लाभ सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो अगले 3-4 साल के अंदर शायद वो पूरा हो जाएगा तो हमें पानी की कोई आगे ना सिंचाई की पानी कमी रहेगी ना पीने के पानी की कमी रहेगी, इस पर भी सरकार काम कर रही है। दूसरा बिजली भाई 2014 से कैसे आती थी वो आपको पता है, आज बिजली कम जाती है ज़्यादा आती है, पहले क्या था ज़्यादा जाती थी कम आती थी। और बिजली के जो बिल हैं पहले तो रेट बढ़ते थे लेकिन अब तो सरकार समय समय पर कोई ना कोई चार्ज घटाते हुए और बिजली का जो बिल आता है वो कम होता जा रहा है। और अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया कि भाई जितनी बिजली जलाओगे उतने का ही बिल आएगा, पहले ये ढंग नहीं थे आप जलाओ कि मत जलाओ मीटर बंद होगा तो भी इतना बिल तो आएगा, तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया है कि जितना आपका बिल आएगा जितने आप बिजली जलाओगे उतना ही बिल आएगा, ना कि बंद मीटर का भी बिल आएगा। तो बहुत सी सुविधाएँ सरकार समय समय पर अब माननीय मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी दे रहे हैं। और जो सबसे जो फायदा हमारे को इस दक्षिण हरियाणा को हुआ, जो भी योग्यता के आधार पर बिना पत्ती के बिना खर्ची के जो नौकरी देने का काम किया है उसका सबसे ज़्यादा वही फायदा हमारे दक्षिण हरियाणा को हुआ है। आप आस पास के गाँव के लोग भी बैठे हैं, आप ये देखें कि मैं 10 साल कांग्रेस की सरकार थी 2005 से 2014 तक, उसके अंदर आपके गांव में कितने बच्चे लगे, 10 साल 2014 से लेकर 24 तक हमारी सरकार में कितने बच्चे लगे, ये तो आप ही उसका घर में बैठ के आकलन कर सकते हो। जो लोग कहते हैं कि हमने नौकरियां दी बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी देखो नौकरी सबको तो कोई सरकार नहीं दे सकती, कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कहते हैं कि आत्मनिर्भर हमें बढ़ना है और आत्मनिर्भर बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि नौकरी करें और हमारे दूसरे काम हैं, उसके लिए सरकार लोन देने के लिए हेल्प करती है, ब्याज माफी के लिए भी मदद करती है, गारंटी देने के लिए सरकार तैयार है। तो अपने और भी जो काम हैं वो करने चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे अपना कोई स्टार्टअप चलाए कोई और बिजनेस करे उसके लिए सरकार हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है। तो सरकार की जितने जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जो ऑनलाइन सर्विस जो की थी उनका देखो कहीं कहीं थोड़ा नुकसान हुआ, जैसे BPL कार्ड कट के इनकम वेरीफाई नहीं हो रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ये कर दिया कि जिनके आय वेरीफाई नहीं हो रही थी वो अपना एक एफिडेविट दे लिख के देते कि भाई मेरी इनकम 1,80,000 से कम है तो वो मान ली जाएगी और उसका इनकम ठीक हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी राहत का काम सरकार ने किया है। और ऑनलाइन के फायदे तो बहुत है भाई, ये तो जितनी भी चीज़ें जैसे घर बैठे आपकी पेंशन बन जाती है 60 साल के होते ही, घर बैठे आपका राशन कार्ड आ जाता है, घर बैठे आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, कोई भी
खेती से संबंधित डॉक्यूमेंट लेने वो आपको घर बैठे मिल सकते हैं, नहीं तो इन कामों के लिए दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते थे ना, कभी पटवारी नहीं मिला, कभी तहसीलदार नहीं मिला, कभी एसडीएम नहीं मिला, कई कई दिन हमें धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन आज इन कामों के लिए आप अपने घर बैठे ये सुविधा ले सकते हो। और जो भ्रष्टाचार कम हुआ इससे, आपकी पेंशन काफ़ी लोग यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, कांग्रेस के टाइम में 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन वो 1,000 किसी की जेब में पूरे नहीं गए होंगे, किसी को 700 मिलते थे, किसी को 800, जिसका भी बीच में दाव बैठा वो बीच में कमीशन खा जाता था। लेकिन आज सरकार 3,000 रुपये पेंशन देती है, तो 3,000 ही आपके खाते में एक नया पैसा इधर उधर नहीं होगा। इसी तरह आपको बच्चों का स्टाइपेंड हो, चाहे आपका किसान सम्मान निधि हो, चाहे और दूसरी सुविधाएँ सरकार की हों, सीधा पैसा आपके खाते में आता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले तो पेंशन लेने के लिए कभी सरपंच के घर जाओ, कभी बैंक में जाओ, कभी कहीं जाओ, लेकिन आज आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपका सीधा पैसा खाते में आ जाता है। तो कितनी सुविधा इससे ऑनलाइन की उसमें हुआ है। बाकी देखो, जिस तरह से सरपंच साहब ने अभी ठीक के लिए एक विकास में हर जगह कहता हूँ, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और ये विकास कभी खत्म नहीं होने वाला। आज आया हूँ, 2 साल बाद आऊँगा तो इतनी गलती से स्टोर मिलेगी, तो विकास तो चलता रहेगा और विकास हमने करवाया भी और ये भी करवाएंगे। लेकिन ये नहीं कि भी सारे काम एक साथ कभी नहीं होते, प्रायोरिटी अपनी तय कर लो और वो नीचे 1,00,000 रुपये तक की आप अपनी प्रायोरिटी तय कर लो। अभी भी मैंने आपको तो पैसे दिए हैं 14.5 लाख, तो अभी 1 लाख से गए, 2-3 लाख से आपके वो दे दिए हैं, और 16 लाख के करीब आपका सिंह धाम के लिए अभी पास किए 16 लाख रुपए, और धानी शोभा से अरोधा और धानी शोभा से धानी राधा ये 2 रोड भी हमने अप्रूव कर दिए, ये भी इंदर जल्दी काम आ गया। ताकि अभी जो आप पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे थे, देखो आपकी जो लाइनें खराब हैं वो तो 15 दिन के अंदर सारी ठीक हो जाएगी, मैंने एचएल साहब से कह दिया है। और जो जहाँ तक धानियों के पानी की सप्लाई की बात है, वो अभी सरकार के अंदर कंसिडरेशन है, उसमें समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ से डिसीजन होगा मुख्यमंत्री जी का, तब वो होगा। इसी तरह आपके गंदे पानी की निकासी के लिए अभी जो ये आपका जोड़ है, मैं आज से मेरे घर 5 से 7 पहले आया था, ये याद रखती, तो ये तो इसका फैसला तो आप लोगों ने करना है। भाई हम तो पैसा ही तो दे सकते हैं, फैसला तो आपने करना, कहाँ पानी जाएगा, कहाँ डालना है आपने, खुद का प्रपोजल बना होगा आप। ये बीडियो साहब पैसे में बीडियो साहब क्या देता हूँ, बना के भेजेंगे आप, बताओ कहाँ जाएगा पानी। जहाँ तक आप सिल्वर की बात कर रहे थे ना, भी सफाई कर्मचारी की बात कर रहे थे, आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारी मिलते हैं, 1,000 की आबादी तक एक ही सिल्वर सरकार के नॉर्म में है, उससे ज़्यादा सरकार के नॉर्म में नहीं है। तो आपकी गांव की आबादी 1,000 से लेके मतलब अगर ज़्यादा 5,000 से दोबारा 5,000 से चाहिए था, इधर ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, बताओ कि आबादी के हिसाब से तो आबादी के हिसाब से सरकार ने नॉर्म बना रखे हैं, उस हिसाब से आपका एक ही बनता है। अब वो काम नहीं करता, वो सरपंच पंचायत जाने कैसे काम देना उसने, अब आप भाईचारा भी निभाना चाहो और काम भी चाहो तो दोनों काम तो नहीं हो सकते। ये आप अपने गांव में करें इसका फैसला, ठीक है। हाँ, मेरे ये हमारे को मत बताओ, ये समझता है। बाकी बात शुरू से आप दे देना, दो पंचायत गाँव का तो बेटे साहब बनाओ, इनका पंचायत गाँव का कितनी जगह, कितनी जगह, कितनी जगह जगह पूछ रहा हूँ, अगर आप आधा एकड़ जमीन देते हो तो 65 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ, 65 लाख का आपको कम्युनिटी हॉल बन जाएगा, आधा एकड़ जमीन दिए।
गाँव वाले बैठे जा रहे अपने गाँव वाले स्वार्थ करो, अगर आप आधा एकड़ जमीन देते हैं तो उसमें एक मिनट हाल बन जाएगा, 65 लाख रुपए उसमें लगेंगे आपको। अब देखो चुनाव का भी समय आ गया, क्योंकि अब 2-2.5 महीने ही बचे, चुनाव से ज्यादा समय नहीं बचा है। अब चुनाव की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है आपने लोकसभा में चुनाव का आपको जिताया, लेकिन थोड़ी कमी रही है तो उस कमी को भी हमने दूर करना है। वो कैसे करना है, क्योंकि आप सब समझदार हो, आप लोगों को ही मेहनत करनी है, क्योंकि कैंडिडेट तो भाई एक होता है, लेकिन चुनाव तो अपना कार्यकर्ता ही लड़ता है, आपके दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है, कैंडिडेट के दम पर नहीं लड़ा जाता। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा कि पिछले 10 साल में जिस तरह से भाई हमने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में आपके साथ रहे, काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और सरकार ने जितना दक्षिणी हरियाणा में मेरे ख्याल से विकास 10 साल में करवाया, पिछले 60 साल में भी हो गए, इस बात के आप गवाह हैं। तो भाई मेहनत आना आप लोगों ने लेना, अब हमने तो काम किया है, तो मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि भाई जो भी कुछ गलती हुई, जो भी कुछ ये दिल्ली के जितने भी खंभे हैं ना, सरकार ने फैसला कर लिया, वो सरकार अपने आप रहेगी, मेरी चिंता करनी जरूरत, सरकार ने फैसला कर लिया, जितने भी खंभे हैं, जितने भी घरों के ऊपर से 11,000 के टेंशन हाई टेंशन वायर हैं, ये सब सरकार अपने खर्चे को, पहले खर्चा मांगते थे, अब सरकार ने फैसला कर दिया अपने खर्चे पे सारे हटाए, ठीक है। तो आप लोगों ने अब देखना भाई, कर्म जो 2-2.5 महीने बचे इसमें कमर कर लो, और जो भाई नाराज है उससे भाई मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, आप भी माफ़ी मांग लेना, क्योंकि देखो मनमुटाव घर में रहते हैं, 5 आदमी रहते हैं तो मनमुटाव हो जाता है, ऐसा नहीं कि भाई सारे 5 भाई हैं तो कोई मनमुटाव नहीं होता, किसी के कम काम होते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन काम सबके हो रहे हैं, और जो बच्चे भी आगे हो जाएंगे। अब कई लोग मैं मेरे पास कहते जी खोल में तो कुछ नहीं करा है, मगर यार खोल में देख पानी की तो बड़ी समस्या है, वो ठीक करी, पॉलिटेक्निकल कॉलेज धामलावर ये भी तो खोल में है, पार्टी महिला कॉलेज ये भी खोल में है, सैनिक स्कूल ये भी खोल में है, एम्स है ये भी खोल में, बताओ खोल में कतर काम छोड़ रही, सड़कें कहीं आपकी टूटी हो तो वो बताओ, तो काम तो सारे बराबर किए, अपने किसी में कोई भेदभाव नहीं करें। तो आप लोग मेरा यही अनुरोध है कि भैया आप आपस में भाईचारा बनाएँ, कोई नाराज है तो उससे भाई से ना मतलब हाथ जोड़ के उसको भी मनाएँ और चुनाव में लग जाएँ। देखो वोट मांगने का अधिकार सबको है, सब की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, तो वो लोग आएंगे, उनका भी अधिकार है भाई वोट मांगने का, फैसला तो आपके हाथ में, फैसला तो आपने करना है, वोट मांगने का तो सबको अधिकार है, सब आएंगे। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि चुनाव में जुड़ जाएँ और आगे की तैयारी करें, और हमारा भाई तीसरी बार अगर आप आशीर्वाद दोगे तो निश्चित तौर पर इसी तरह आपके विकास का कार्य चलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।